नमस्कार दोस्तों, जय मैं आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर, जिसका नाम है कड़वा जामुन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, थोड़े दिन पहले मैंने वोट्स लिए थे कि अगले टॉपिक को कैसे बनाया जाए। तो आपको टॉपिक का नाम तो पता ही होगा, जो कि हमारे टाइप्स ऑफ साइकिल में का सेकेंड टॉपिक MTB यानी कि माउंटेन बाइक। तो वोट्स आए थे सब मिल चुका है। तो जो मैंने ऑप्शन दिया था, तो पहला ऑप्शन था कि वीडियो छोटा और इन्फॉर्मेशन के साथ, अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ वो वीडियो बनाना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ज़्यादा वोट्स मिला सेकेंड वीडियो को, क्योंकि ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन से और जो वीडियो दिया, तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा। ट्राई किया है कि मैं ज़्यादा शॉर्ट बन सकता हूँ। तो बस बने रहिए और देखते रहिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा थोड़ा ज़्यादा डिटेल। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि MTB होता क्या है। MTB यानी कि माउंटेन बाइक, तो हम इसे माउंटेन बाइसिकल भी कह सकते हैं। तो इसको डिज़ाइन किया गया ज़्यादा करके ऑफ रोड साइकिलिंग के लिए। ये देखा रहेगा आपने, बाकी सब साइकिल की तरह सिमिलर ही दिखने में होता है, पर इसमें जो ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस रहता है वो बाकी सब साइकिल से सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें ज़्यादा करके होता क्या है, इसमें रहता है आगे का फ्रंट फोर्क सस्पेंशन रहता है, स्ट्रेट हैंडल बार रहता है, इसमें जो व्हील्स रहते हैं वो थोड़े ज़्यादा वाइड रहते हैं, ज़्यादा मजबूत रहते हैं, और इसमें आपको गियर रेशियो देखने मिलता रहेगा कम से लेकर ज़्यादा तक का, ताकि ये किसी भी तरीके के चढ़ाने या तो ढलान में इजीली चलाया जा सके। इसमें स्ट्रेट हैंडल बार रहता है, और इसमें कभी कभी आपने देखा रहेगा सस्पेंशन भी रहता है। तो क्या होता है, इससे जो ट्रेल्स वगैरह रहते हैं उसमें वो इजीली राइडर को स्मूथ एक्सपीरियंस मिल सके। तो ये ट्रेल्स होता क्या है, तो जो माउंटेन बाइक है उसको स्पेशली इसलिए डिज़ाइन किया गया, इसलिए बनाया गया, ताकि इस तरीके के माउंटेन ट्रेल्स में चलाया जा सके, फायर रोड्स रहते हैं उसमें चलाया जा सके, सिंगल ट्रैक में चलाया जा सके, तो किसी भी तरह के अनपेव्ड या तो फिर ऑफ रोड में चलाया जा सके। मतलब जो नॉर्मल अपना डांबर का रोड रहता है, कंक्रीट का रोड रहता है, उसमें नहीं, अनपेवमेंट वाले रोड पे चलाया जा सके। तो इसमें अलग अलग तरीके के टेरेन, मतलब जो रफ टेरेन या तो फिर ट्रेल्स बोलते हैं, वो किस किस तरीके के हो सकते हैं। तो इसमें रॉक्स यूज़ होता है, रूट्स यूज़ होता है, लूज सॉइल मतलब कि अपना हल्का फुल्का मिट्टी यूज़ होता है, सैंड यूज़ होता है, या किसी भी तरीके का चढ़ाने या तो फिर ढलान यूज़ होता है। तो आपने देखा रहेगा कुछ कुछ हाइब्रिड रोड बाइक्स भी रहते हैं जो कि माउंटेन बाइक की तरह ही दिखते हैं, पर वो माउंटेन बाइक नहीं होते, वो रोड बाइक ही होते हैं, माउंटेन बाइक थोड़ा ज़्यादा अलग रहते हैं। तो ये जो ट्रेल्स गए, इसमें थोड़े एडिशनल फीचर्स भी रहते हैं, इसको हम TTF भी कहते हैं, यानी कि टेक्निकल ट्रेल फीचर्स। तो ये फीचर्स में क्या क्या होता है, लॉग पाइल्स रहता है यानी कि लकड़ा यूज़ होता है, लॉग राइड्स रहते हैं यानी बहुत सारे लकड़े के ऊपर से जो ट्रैक बना हुआ रहता है वो लॉग राइड्स रहता है, फिर इसमें स्किनीज रहते हैं, एकदम पतला ट्रैक रहता है, रॉक गार्डन रहता है, बहुत सारे पत्थर एक ही जगह पर रहते हैं उसको रॉक गार्डन कहते हैं, फिर वॉल राइड्स रहता है, ऐसे बहुत सारे राइड्स रहते हैं। तो इसी चीज़ पे ये सब जो टेरेन्स है, ट्रेल्स है, उसके ऊपर चलने के लिए ही माउंटेन बाइक को बनाया गया। इसका जो हैवी कंस्ट्रक्शन है, इसमें जो वाइड टायर्स रहते हैं, मजबूत व्हील रहते हैं, इसी की वजह से क्या होता है, जो अर्बन राइडर्स रहते हैं मतलब रोड्स पे चलाने वाले, तो उसमें भी बहुत यूज़ हो जाता है, क्योंकि मानसून वगैरह आया तो बहुत सारे खड्डे हो जाते हैं रोड पर, तो उसके वजह से अर्बन राइडर्स भी उसको प्रीफर करते हैं। तो पहले तो इसका इतना स्पोर्ट्स था नहीं, मतलब लेट 1970s से माउंटेन बाइक का स्पोर्ट शुरू हुआ। तो जैसे पहले इसमें सिंगल गियर का रहता था, बिना सस्पेंशन का रहता था, फिर धीरे धीरे इसमें डिमांड आता गया, तो अलग अलग डिज़ाइन बनता गया, तो इस डिज़ाइन की वजह से अलग अलग प्राइस सेगमेंट बने, तो उस प्राइस सेगमेंट की वजह से उसका परफॉर्मेंस डिसाइड होता था। पहले तो ज़्यादा कुछ था नहीं, फिर आज इतना ज़माना हो गया, उसके बाद जो सस्पेंशन है पीछे का वो 8 इंच तक बड़ा हो गया है, इसमें जो गियर रेशियोज रहते हैं वो 27 स्पीड्स तक के हो चुके हैं, ताकि क्या चढ़ान ढलान वो सब के लिए बहुत ही इजी पड़ सके। इसमें जो गियरिंग सिस्टम है उस आजकल इतना एडवांस हो गया है कि आगे सिर्फ एक ही मतलब 1x यूज, मतलब उसको प्रोनाउंस करते हैं 1/, वैसा गियर सिस्टम भी यूज़ करते हैं, मतलब आगे सिर्फ जो चेन रिंग रहता है वो एक ही रहता है, और पीछे जो कैसेट्स रहते हैं, कैसेट के ऊपर जो स्प्रॉकेट्स रहते हैं, 9 से लेकर 12 तक के भी हो सकते हैं। तो उससे क्या होता है, थोड़ा आजकल ईजी हो जाता है साइकिल चलाने को। और अपने कंट्री में जैसे कि MTB बोलते हैं माउंटेन बाइसिकल के लिए, वैसे दूसरे कुछ कुछ कंट्रीज़ में ATV भी बोलते हैं, ATV मतलब कि ऑल टेरेन बाइसिकल, इधर माउंटेन बाइसिकल और बाकी कुछ कुछ जगह पे ऑल टेरेन बाइसिकल। तो सबसे पहले जानते हैं हिस्ट्री क्या है माउंटेन बाइसिकल का। तो माउंटेन बाइसिकल पहले सिर्फ माउंटेन बाइसिकल नहीं था, जब उसको ओरिजिनली बनाया गया था तो उसको मॉडिफाइड क्रूजर बाइसिकल यूज़ करके बनाया गया था। पहले क्या होता था, जो कैलिफोर्निया USA है
वहाँ लोग क्या करते थे, नॉर्मल क्रूजर बाइसाइकिल को लेके उसमें बलून जैसे बड़े बड़े टायर्स लगा के किसी भी तरीके के पहाड़ में चले जाते थे और फिर डाउनहिल रेसिंग करते थे। तो ये देख के जो ब्रिज नाम का एक बाइसाइकिल फ्रेम बिल्डर है उनको एक आइडिया मिला, तो उन्होंने सबसे पहला, दुनिया का सबसे पहला माउंटेन बाइक उन्होंने डिज़ाइन किया और डेवलप भी कर दिया। तो ये जो साइकिल उन्होंने बनाया था उसको पहले कैलिफोर्निया में बलूनर्स के नाम से जाना जाता था और भी अलग अलग स्टेट्स में यूएसए के अलग अलग नाम से भी जाना जाता था। पर ये तभी धीरे धीरे पॉपुलर होना शुरू हुआ था क्योंकि 1970s में ये सिर्फ यूएसए में पॉपुलर था। फिर धीरे धीरे जैसे बड़े बड़े कंपनीज थे जो बाइसिकल फ्रेम बिल्ड बनाते थे रोड बाइसिकल के लिए, उन्होंने 1979 और 1980s के टाइम पे, मतलब एंड में और स्टार्ट में, बहुत ज़्यादा बनाना शुरू कर दिया लाइट वेट मटेरियल और हैवी, मतलब मजबूत और लाइट वेट मटेरियल जैसे कि M4 एल्यूमिनियम से बनाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहला जो प्रोडक्शन था वो किया था लॉविल प्रो क्रूजर ने 1979 में। फिर धीरे धीरे और दो तीन जन ने भी बनाना शुरू कर दिया, पर 1979 से 1980 तक सिर्फ 600 ही बाइसिकल फ्रेम बन सके थे और इसमें जो हर एक नया फ्रेम बनता था वो $500 में वो उन लोग बेचते थे। फिर वो प्रोडक्शन वो रुक गया। फिर सबसे बड़ा मास प्रोडक्शन जो है, मतलब एकदम बंच में जब बनाया गया, वो सबसे पहले बनाया था स्पेशलाइज्ड कंपनी ने और साइकिल जो मॉडल था उसका नाम था स्टंप जंपर। 1981 में सबसे बड़ा मास प्रोडक्शन इन्होंने किया था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ज़्यादा पॉपुलर होता गया तो जो रैंडोल्फ रॉस है, जो कि रॉस इन, मतलब रॉस बाइसिकल्स इनकॉर्पोरेशन के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी एक बार न्यूयॉर्क टाइम्स पेपर को बताया था कि माउंटेन बाइक जितना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और जितना ये सिंपल लुक है, इसने पूरा बाइसिकल इंडस्ट्री का, मतलब इमेज ही पूरा कन्वर्ट कर दिया था। फिर जैसे जैसे बढ़ता गया, पॉपुलर होता गया, तो पहले तो इतना पॉपुलर था नहीं, पर धीरे धीरे जैसे पॉपुलर होता गया उसको मेन स्ट्रीम एक्टिविटी कर दिया। तो लेट 1990s में 2000 में ये मेन एक्टिविटी बन गया, तो इससे जो इंटरनेशनल रेसिंग सर्किट है उसमें भी यूज़ करने लग गए, फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में यूज़ करने लग गए और एडिशनल जो रेसेस रहते, फ्री राइड्स रहते, जैसे कि FMB वर्ल्ड टूर है और रेडबुल रैम्पेज है, वहाँ भी उसको यूज़ करने लग गए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डिज़ाइन क्या हो सकता है माउंटेन बाइसिकल का। तो सबसे पहले सबसे मेन कैटेगरी यूज़ करे थे सस्पेंशन को देखते हुए। तो पहला जो सस्पेंशन को देखते हुए जो पहला कैटेगरी है वो है रिजिड फ्रेम माउंटेन बाइसिकल। तो उसमें क्या होता है कि साइकिल नॉर्मल आगे और पीछे का वाइड टायर्स और मजबूत व्हील के साथ आता है, इसमें स्ट्रेट हैंडल बार होता है, पर इसमें आगे और पीछे कहीं भी सस्पेंशन नहीं होता, तो वो है रिजिड फ्रेम माउंटेन बाइसिकल। दूसरा है हार्ड टेल बाइसिकल। तो इसमें क्या होता है, सेम रिजिड फ्रेम ही यूज़ होता है और बाकी सब कंपोनेंट्स भी सेम रहते हैं, इसमें सिर्फ आगे सस्पेंशन रहता है और पीछे कुछ नहीं रहता है, इतना ही फ़र्क है। फिर सॉफ्ट टेल आता है, ये हार्ड टेल की तरह ही है, सेम इसमें आगे फोर्क रहता है सस्पेंशन का और रिजिड बॉडी फ्रेम रहता है, पर इसमें पीछे भी सस्पेंशन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, फ्रेम को ऐसा डिज़ाइन किया रहता है ताकि ये जो शॉक है वो एब्जॉर्ब कर ले, फ्रेम में ही सस्पेंशन की ज़रूरत ही ना पड़े। और सबसे लास्ट जो कैटेगरी है वो है फुल सस्पेंशन, या तो फिर हम इसे डुअल सस्पेंशन भी कह सकते हैं। इसमें आगे और पीछे दोनों जगह सस्पेंशन रहता है, इसमें जो आगे का सस्पेंशन रहता है वो टेलीस्कोपिक फोर्क भी बोलते हैं, जैसे कि मतलब आपके जो बाइक में रहता है वैसा सस्पेंशन रहता है, और जो पीछे का रहता है वो किसी भी तरीके के मैकेनिकल लिंकेज से बनता है जिससे कि शॉक एब्जॉर्ब कर सके, मतलब किया जा सके। तो अब हम जानते हैं स्पेसिफिक डिसिप्लिन ओरिएंटेड डिजाइन के बारे में। तो जो बाइसिकल्स, माउंटेन बाइसिकल्स रहते हैं वो इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, अलग अलग टाइप के माउंटेन बाइकिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं किस तरीके का आपका साइकिल होना चाहिए। पहले के दिन में क्या होता था, जब घर पे कस्टम बाइक बनाया जाता था, डिपेंड करता था किस टाइप का, मतलब आपको स्टंट्स मारने के लिए चाहिए या अलग अलग ट्रिक्स यूज़ करने के लिए चाहिए या अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए, तो वैसा बनता था। फिर धीरे धीरे इवॉल्व होता गया, अलग अलग स्टाइल्स आते गए, जो बेसिक नॉर्मल फ्रेम था वो सेम था, पर जैसे जैसे इक्विपमेंट्स आते गए तो डिज़ाइन चेंज होता गया। सबसे पहला जो फ्रंट सस्पेंशन वाला बाइक था वो मिड 90s के बाद बनना शुरू हुआ था, फिर वापस से मार्केट चेंज हुआ, नए इक्विपमेंट्स आए, तो जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने बहुत डिमांड्स लिया राइडर्स लोग से और अलग अलग तरीके के फ्रेम बनते गए। तो ये फ्रेम किसी भी तरीके के कितने भी प्राइस सेगमेंट में हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपको किस डिसिप्लिन में चलाना, मतलब कौन से कैटेगरी में आपको वो बाइक चाहिए, तो उस हिसाब से उसका बिल्ट होता है और उस हिसाब से उसका प्राइस भी डिसाइड होता है। तो जो डिसिप्लिन ओरिएंटेड डिज़ाइन है उसमें जो हमारा पहला डिज़ाइन है वो है क्रॉस कंट्री का।
तो ये क्रॉस कंट्री डिजाइन स्पेसिफिकली सिर्फ रेसिंग के लिए यूज़ करने के लिए बनाया गया है। इसका जो मतलब जो मांग है, जो डिमांड है, वो लाइट वेट का है और एफिशिएंट डिज़ाइन की मांग है। तो जो पहले 1980s में और एंडिंग में और अर्ली 1990s में जो फ्रेम बनाया जाता था वो लाइट वेट स्टील का बनाया जाता था, जो फोर्क बनाया जाता था वो भी स्टील का बनाया जाता था। फिर धीरे धीरे मिड 1990s के टाइम पे एल्यूमिनियम फोर्क और फ्रेम बनाना शुरू कर दिया, यूज़ करना शुरू कर दिया। और इसका जो फोर्क था वो छोटा ही था, 65 mm से 110 mm तक है लिमिटेड बनाया था। फिर धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होने लग गया, जो रेसर्स थे उनको बहुत ही पसंद आना शुरू हो गया। तो इससे क्या हुआ, जो डिज़ाइनर्स थे उनको आइडिया मिला, उन्होंने कार्बन कंपोजिट फाइबर से यूज़ किया और फिर बनाया, नया मॉडल बनाया जो कि 10 किलो के अंदर का था। फिर धीरे धीरे हार्ड टेल और सॉफ्ट टेल के भी मॉडल बनना शुरू हो गया और क्रॉस कंट्री के हिसाब से उन्होंने बनाया स्पेसिफिक डिज़ाइन। और फिर जो व्हील्स थे, पहले स्टैंडर्ड व्हील यूज़ होते थे, 26 इंच और 29 इंच का सेगमेंट में यूज़ करते थे। फिर धीरे धीरे इसको पूरा टोटली रिप्लेस कर दिया 700C, यानी कि कुछ कुछ कंट्रीज में 28 इंच भी बोलते हैं, तो 700C के व्हील्स ने टोटली उसको रिप्लेस कर दिया। फिर इसको हालांकि ऑफ रोड के लिए बनाया तो गया है पर बहुत कम यूज, मतलब जैसे कि मैंने पहले बात किया था रफ़ टेरेन अलग अलग टाइप के होते हैं, तो ये अलग अलग टाइप के रफ़ टेरेन में नहीं चल सकता, ये सिर्फ स्पेसिफिक ऑफ रोड पे ही चल सकता है। इसका जो हेड एंगल है, मतलब जो अपन बैठते हैं पोजीशन, जिसका हेड एंगल है वो है 70 से 71 डिग्री का। इससे क्या होता है, राइडर को बहुत ही ज़्यादा हेल्प होता है क्लाइंबिंग करने के लिए, मतलब अगर किसी पहाड़ वहाड़ में चढ़ रहे तो क्लाइंबिंग के लिए, और फिर इजी जो अपन उतरते टाइम जो टर्निंग्स रहता है वो इजीली करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगला डिसिप्लिन बेस्ड डिज़ाइन जो ओरिएंटेड डिज़ाइन है वो है ट्रेल माउंटेन बाइसिकल का। तो ये स्पेसिफिकली डेवलप किया गया है रिक्रिएशनल साइक्लिस्ट लोग के लिए और ये क्रॉस कंट्री से मिला जुलाई बनाया गया है। इसका जो लेंथ है वो 120 से लेकर 140 mm तक का हो सकता है, यानी कि 5 फुट तक का हो सकता है। और इसका जो वेट है वो 11 किलो से लेकर 15 किलो के बीच में हो सकता है। तो इसका जो ज्योमेट्री है इसके वजह से ही वो क्रॉस कंट्री से लेकर ऑल माउंटेन बाइक्स के बीच का बन जाता है। तो इसका जो हेडिंग एंगल है वो 68 से लेकर 69 डिग्री तक का होता है, जिससे आपको क्या होता है, जो स्टेबिलिटी हमें चाहिए और रहता है ढलानों में चलाने के लिए साइकिल को, वो स्टेबिलिटी हमें इससे मिल जाता है। इसके जो टायर्स रहते हैं वो 27 से लेकर 27.5 इंच के रहते हैं या तो फिर 29 इंच के रहते हैं। और इस साइकिल के वजन के वजह से जो हमें फ़ायदा है वो है, ये किसी भी तरीके के रफ़ टेरेन को हैंडल ईजिली कर सकता है। इसमें ज़्यादा करके हार्ड टेल बाइसिकल ही बन फ्रेम डिज़ाइन ही बनता है बाइसिकल का, या तो फिर फुल सस्पेंशन का बनता है, इसमें सॉफ्ट टेल का बहुत ही कम बनता है। इसमें जो फ्रेम यूज़ होते हैं ये बाइसिकल फ्रेम को बनाने के लिए, ज़्यादा करके एल्यूमिनियम के होते हैं या तो फिर कार्बन कंपोजिट फाइबर के होते हैं। इसमें स्टील के फ्रेम बहुत ही कम यूज़ होते हैं। तो इसे ट्रेल, इस ट्रेल बाइक को ज़्यादा करके मतलब ऑल माउंटेन बाइक ही बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। तो इसके इसी फंक्शन और फीचर के वजह से इसमें बहुत ही कम सस्पेंशन यूज़ होता है, तो ज़्यादा करके ये फ्लैट पेडल ट्रेल्स में ही चलता है, या तो फिर इसको आप इसके साथ साथ आप ढलानों और चढ़ानों पर भी इजीली चला सकते हैं। तो अगला जो डिसिप्लिन ओरिएंटेड कैटेगरी है वो है एंड्यूरो या तो फिर ऑल माउंटेन बाइक। तो ये जो कैटेगरी है वो गैप कवर करता है ट्रायल बाइक्स, ट्रेल बाइक्स का और डाउनहिल बाइक्स के बीच का। तो इसका जो वजन है वो 13 से लेकर 16 किलो तक का हो सकता है। इसका जो फ्रेम क्वालिटी है, मतलब जो इससे फ्रेम मटेरियल्स जो यूज़ होता है वो हाई क्वालिटी एल्यूमिनियम रहता है या तो कार्बन कंपोजिट फाइबर रहता है, इसमें स्टील यूज़ नहीं होता है। इसमें फुल सस्पेंशन के साथ ही आता है, लॉन्ग फुल सस्पेंशन, इसमें हार्ड टेल या तो सॉफ्ट टेल यूज़ नहीं होता है। इसका जो सस्पेंशन है वो उसका साइज़ 6 इंच का हो सकता है या तो फिर 7 इंच का हो सकता है। इसमें एक एडिशनल क्वालिटी ये भी है कि इसमें जो डैम्पनिंग क्वालिटी है सस्पेंशन का, वो आप कभी भी एडजस्ट कर सकते हो, डिपेंड आपको क्लाइंब करना है या तो फिर ढलान में आपको ये चलाना है। इसका जो हेडिंग एंगल है बहुत ही रिलैक्सेबल है, 65 से लेकर 66 डिग्री तक के एंगल का हो सकता है। ये बहुत ही नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं आप ढलान में और चढ़ान में, बहुत ही इजीली आपको ये मूवमेंट करके देगा। इसको ऑल डे बाइक, मतलब ऑल डे राइड बाइक भी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम ऑल माउंटेन बाइक पड़ा है। इसमें जो नाम है एंड्यूरो या तो ऑल माउंटेन, इसमें सिर्फ इतना ही फ़र्क है, जो एंड्यूरो पार्ट है वो जो टर्निंग्स वगैरह डिसेंट्स वगैरह वो कवर करता है, और जो ऑल माउंटेन पार्ट है वो उस डिसेंट में जो स्पेसिफिक अपने को ये चाहिए, स्पीड चाहिए, वो कवर करके एंड्यूरो या तो फिर ऑल माउंटेन बाइक इसलिए उसको कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर इस साल हुआ है 2020 में, पहले इतना पॉपुलर नहीं था, अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है।
बस ये बहुत जन यूज़ करते हैं। तो अगला जो डिसिप्लिन ओरिएंटेड डिज़ाइन है वो है डाउनहिल का। तो डाउनहिल में क्या रहता है, इसका जो सस्पेंशन रहता है वो 8 इंच तक का बड़ा हो सकता है। तो उससे क्या होता है, आपका जो हेडिंग एंगल रहता है वो बहुत ही कम हो जाता है, 63 से 64 डिग्री तक का हो जाता है। उससे एक फ़ायदा ये भी है कि आपका जो राइडर है, जो राइडिंग पोजिशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल और मतलब बहुत ही ईजी पड़ जाता है डाउनहिल या तो फिर हार्ड जो स्टीप ट्रेल्स रहता है उसमें चलाने के लिए। तो इसमें जो फ्रेम मटेरियल्स यूज़ होते हैं ये साइकिल को बनाने के लिए, वो ज़्यादा करके सिमिलर ही कंस्ट्रक्शन रहता है इसके जैसा, क्रॉस कंट्री जैसा ही सिमिलर कंस्ट्रक्शन रहता है। और इसका जो फ्रेम मटेरियल्स और जो वेट इसका रहता है वो ज़्यादा करके ऑल ट्रेन या तो ट्रेल्स या तो फिर ऑल माउंटेन बाइसिकल के तरह ही होता है। पर इसमें आप डेडिकेटेड स्टीप ट्रेल्स में चला सकते हो या तो फिर डाउनहिल रेसिंग ही कर सकते हो, इसमें आप और कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। क्योंकि अगर इसमें भी आपको पहाड़ के ऊपर जाना है तो आप राइड करने की जगह हाथ से उठा के जाना पसंद करेंगे, क्योंकि आपको राइडिंग पोजीशन में से चढ़ने के लिए तो मिलता नहीं है, इसको ज़्यादा करके सिर्फ डाउनहिल के लिए ही मिलता है। इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए गए, मतलब डाउनहिल साइकिल को यूज़ करके बहुत सारे बाइसिकल के स्पीड रिकॉर्ड्स भी बनाए गए हैं आज तक। अगला कैटेगरी है फ्री राइड बाइक्स का। ये सिमिलर ही होता है डाउनहिल की तरह, पर इसमें जो हमें डिपेंड करना पड़ता है वो ज़्यादा करके स्ट्रेंथ पे करना पड़ता है, ना कि वेट में करना पड़ता है। इसमें जो सस्पेंशन रहता है वो मिनिमम 7 का रहता है या तो फिर हम 8 इंच का भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है हम कौन से ट्रायल पे चल रहे हैं। इसमें ज़्यादा करके ट्रेल्स रहता है, उसमें या तो फिर जंप रहता है या तो फिर ड्रॉप रहता है या तो फिर दोनों रहता है। तो इससे क्या होता है, बहुत ही हैवी इम्पैक्ट पड़ता है अपने साइकिल के फ्रेम पे। तो उसके वजह से हमें जो मटेरियल यूज़ करते हैं बनाने के लिए वो बहुत ही रेयरली यूज़ करते रह गए कार्बन फाइबर, ज़्यादा करके एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें जो यूजेज रहता है वो बहुत ही हैवी रहता है और अपने को बहुत ही मजबूत ज़रूरत पड़ता है। तो इसलिए उसका वेट को अपने को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है इस साइकिल के ऊपर। तो वेट इसका 14 से लेकर 20 किलो तक का हो सकता है। और इसमें जो हमारा ये रहता है हैंडलिंग रहता है और जो मैन्यूवरेबिलिटी रहता है वो बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग रहता है क्लाइम को लेके, मतलब इसका स्पीड भी बहुत ही कम रहता है, कम यूज़ होता है, ज़्यादा स्पीड यूज़ नहीं होता जैसे कि नॉर्थ शोर के ट्रेल्स में यूज़ होता है। और सिमिलरली वैसे बाइक्स और भी अवेलेबल है, स्लोप स्टाइल के बाइक्स रहते हैं, स्लोप स्टाइल के बाइक रहते और डर्ट जम के बाइक रहते हैं, सिमिलरली शेयर करते डाउन, मतलब अपने फ्री राइड बाइक की तरह ही रहते हैं, पर उनका पर्पस भी सेम रहता है। जो डिज़ाइन रहता है वो स्लाइटली थोड़ा थोड़ा बस डिफरेंट रहता है, ज़्यादा कुछ इतना रहता नहीं। तो अगला कैटेगरी है नॉर्थ शोर बाइक्स। नॉर्थ शोर बाइक सिमिलर ही रहते हैं फ्रेम ज्योमेट्री में फ्री राइड बाइक्स की तरह, पर जो कंपोनेंट्स है उसमें वो सेम रहते हैं डाउनहिल बाइक्स की तरह। ये दोनों बाइक्स की तरह सेम ही रहते हैं, पर इसमें जो फ़र्क रहता है क्योंकि ये सिर्फ सिंपल और कॉम्प्लेक्स ब्रिजेस में ही नहीं यूज़ होते, पर जो स्टीप स्लोप्स रहते हैं और हाई स्पीड डिसेंट्स रहते हैं उसमें भी ये यूज़ होते हैं। तो इसका जो मैनुएबल फ्रेम डिज़ाइन रहता है वो इन दोनों, मतलब फ्री राइड और डाउनहिल बाइक्स से अलग रहता है। और इसमें जो फ्रेम यूज़ होता है वो भी बहुत ज़्यादा लाइट वेट का होता है। अगला जो हमारा कैटेगरी है वो है डर्ट जंपिंग अर्बन स्ट्रीट राइड बाइक्स। तो ये सिमिलरली BMX की तरह होते हैं, पर BMX और फ्री राइड के बीच वाले ये बाइक्स होते हैं। इसका बॉडी बहुत ही रिजिड फ्रेम के साथ आता है, यानी कि सिर्फ हार्ड टेल बॉडी रहता है। इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है वो 3.5 इंच से लेकर 4 इंच तक का हो सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल बॉडी फ्रेम के साथ आते हैं, क्योंकि इसका लोअर ब्रैकेट जो रहता है वो बहुत ही नीचे रहता है और जो चेन स्टे रहता है वो शॉर्ट रहता है। उससे क्या होता है, आपका जो मैन्यूवरेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो ये 4x जो डिज़ाइन है 4x का, उसके तरह ही रहता है, ओवरले करता है उसको। और जो डिफरेंस है वो है इसमें रिमूवेबल पीछे का जो डिरेलर रहता है वो रिमूवेबल रहता है। उससे क्या होता है, आप सिंगल स्पीड और मल्टी स्पीड में आप इजीली स्विच कर सकते हो। इसमें 24 इंच का या तो फिर 26 का टायर इंच का टायर यूज़ करते हैं। और इसमें जो ब्रेक्स रहता है वो पीछे होता नहीं, पीछे सिर्फ होता है और आगे नहीं होता। इससे क्या होता है, जो केबल रहता है वो अटकता नहीं है, तो आप इजीली स्पिन कर सकते हो। तो ट्रिक और स्टंट मारने के लिए आपको ईजी पड़ता है। इसका जो सीट पोस्ट है वो भी बहुत नीचे रहता है और इसका हैंडल उसके कंपैरिजन में बहुत ही ऊपर होता है, इसमें आपको वो स्टंट और ट्रिक करने के लिए यूज़ हो जाता है। अगला कैटेगरी है स्लोप स्टाइल बाइक्स। ये सिमिलर ही होता है डर्ट बाइक्स की तरह और फ्री राइड्स की तरह, बीच में आता है ये भी, पर इसमें जो ज्योमेट्री वो ज़्यादा करके डर्ट जंपर्स की तरह ही होता है। पर इसमें जो सस्पेंशन रहता है वो आगे और पीछे दोनों होता है, 4x का सस्पेंशन रहता है। सेम इसका सीट पोस्ट नीचे रहता है, हैंडल ऊपर रहता है, पर इसमें जो गियरिंग जो रहता है वो डिरेलर से रहता है, वो सेपरेट नहीं कर सकते, वो अटैच ही रहता है। पर अगर कंपेयर करके डर्ट जंपर्स की तरह, उसमें सिर्फ जंप और ड्रॉप से रहता है, इसमें
आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बड़े बड़े जंप्स भी कर सकते हो और इसे डाउनहिल के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि प्रोफेशनल स्लोप राइडर्स रहते हैं वो बहुत ही हार्श यूज़ करते हैं इसका मटेरियल बहुत हैवी रहता है और ड्यूरेबल रहता है। तो अगर आप वैसा यूज़ नहीं कर रहे हो तो ये बहुत ही अच्छा है, ड्यूरेबल ज़्यादा है, वर्साटाइल है अगर कंपेयर किया जाए डर्ट जंपर्स की तरह। तो स्लोप राइडर्स ज़्यादा अच्छा है डर्ट जंपर्स से। अगला जो कैटेगरी है वो है माउंटेन क्रॉस या तो फिर फोर क्रॉस बाइक्स भी कह सकते हैं। माउंटेन क्रॉस क्या होता है, उसमें ना चार बाइकर्स रहते हैं, चार रेसर्स रहते हैं, वो डाउनहिल रेस करते हैं बीएमएक्स के बनाए हुए बीएमएक्स के ट्रैक के ऊपर। तो फोर क्रॉस बाइक्स क्या होता है, उसका ज्योमेट्री सिमिलर ही रहता है डर्ट जंपर्स और स्लोप राइडर्स की तरह ही, पर इतना ही फर्क होता है कि इसको डिरेलर्स के साथ ही कंपलसरी यूज़ करना पड़ता है। या जैसे कि डर्ट जंपर में सिंगल स्पीड सेटअप के साथ रहते वैसे नहीं कर सकते। और जिसे इसमें एक फ़ायदा ऐसा भी होता है कि रेसिंग और जो स्टेबिलिटी हमें चाहिए स्पीड में वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। फोर क्रॉस बाइक्स का पॉपुलरिटी बहुत ही कम हो गया क्योंकि UCI ने उसको रिमूव कर दिया रिसेंटली, तो ये ज़्यादा अभी पॉपुलर रहा नहीं क्योंकि इसको इसके ट्रैक्स को जो बनाने के लिए इनकन्वीनियंस होता था वो बहुत ही ज़्यादा होता था। और इसमें सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि फोर क्रॉस बाइक्स डिरेलर के साथ यूज़ कर सकते हैं ना कि डर्ट जंपर्स जो कि सिंगल स्पीड के तरह भी सिंगल स्पीड यूज़ करके भी चला सकते हैं। डुअल स्लैलम नाम का भी एक कंपटीशन रहता है, सिमिलर ही रहता है माउंटेन क्रॉस की तरह, पर इसमें क्या होता है चार राइडर्स की तरह जगह पे सिर्फ दो राइडर्स रहते हैं साइकिल चलाने के लिए। और इसमें जो जंप्स वगैरह रहता है वो माउंटेन क्रॉस से थोड़ा कम रहता है। और पहले क्या करते थे, नॉर्मली ट्रैक्स बनाते थे, नेचुरल ट्रैक्स रहता था थोड़े थोड़े जंप्स के साथ, पर अभी मैन मेड कोर्सेज भी बना के ये रेस ऑर्गेनाइज कर देते हैं। और इंडी क्रॉस नाम का भी एक कॉम्पिटिशन आता है जिसमें दो या चार के जगह पे सिंगल राइडर ही रहता है, पर उसमें भी जंप्स और ड्रॉप सेम ही रहते हैं माउंटेन क्रॉस और इसके तरह डुअल स्लैलम की तरह, पर इसमें सिर्फ सिंगल राइडर एट अ टाइम ही चला सकता है साइकिल। तो आज का लास्ट कैटेगरी है सिंगल स्पीड बाइक। सिंगल स्पीड जो गियर है वो ज़्यादा करके डिपेंड करता है कौन से टाइप के टेरेन पे आप चला रहे और स्किल और स्ट्रेंथ कितना है राइडर का और जो साइज़ है साइकिल का वो कितना है। जो 29 इंच व्हील के बाइसिकल मॉडल्स रहते हैं उसमें अलग सिंगल गियर पीछे रहता है, और जो 26 इंच के रहते हैं उसमें अलग रहता है। तो 29 में अलग रहता है, 26 में जो पीछे सिंगल स्पीड रहता है वो अलग रहता है, डिपेंड करता है आपका बाइसिकल का साइज क्या है। और ये ज़्यादा करके स्टील और रिजिड फ्रेम्स में ही बनते हैं, पर आजकल एल्यूमिनियम वाले फ्रेम्स भी अवेलेबल है मार्केट में, और ज़्यादा करके ये फिट इंडिविजुअल्स ही चलाते हैं। डिपेंड करता है कि आप माइल्ड टेरेन में चला रहे हैं या तो फिर मॉडरेट टेरेन में चला रहे हैं। तो दोस्तों बस वीडियो में आज के लिए इतना ही। पता है बहुत ज़्यादा बोर हुआ क्योंकि बहुत डिटेल्स कवर करना था, बहुत सारे टाइप्स कवर करने थे, अभी भी बचे पर वो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा। ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहे, पर अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा तो बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आया तो फिर लाइक करो, कमेंट करो, कुछ जानने को मिला हो कमेंट करो, कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट करो, और पसंद आया तो बहुत सारे लोगों को शेयर भी करो ताकि उनको भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन पता चल सके यही सब चीज़ के बारे में। और सब्सक्राइब करना भूलना मत।